This story is brought to you by tapeatale.com. Google के अकॉर्डिंग कैरेक्टर का डेफिनेशन होता है एक क्वालिटी और अ सेट ऑफ क्वालिटीज दैट आर यूनिक टू अ पर्सन, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। वो किसी का नेचर हो सकता है या किसी का पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, पर हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर वो होता है जो एक अच्छी सुशील संस्कारी लड़की को एक बेशरम अनकल्चर्ड लड़की से अलग करता है। और जिन लोगों में, स्पेशली जिन लड़कियों में ये क्वालिटीज़ नहीं होती, जो लड़कियां लड़कों से बेझिझक खुलेआम बातें करती है, उनसे दोस्ती करती है, उनके साथ रास्तों और नुक्कड़ों पे दिखाई देती है, इन लड़कियों को कैरेक्टरलेस बुलाया जाता है। इन सिंपल टर्म्स, वो लड़की हाथ से निकल गई, ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। अब ये बातें तो हम पेट से सीख के नहीं आते, ये चीज़ें हमें दिखाई जाती है, वक्त के साथ साथ सिखाई जाती है। और अक्सर हम इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, और जो इसे छूटकर उड़ने की कोशिश करता है उसके कैरेक्टरलेस होने के किस्से जनहित में जारी किए जाते हैं। और इसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं है, इसमें गलती है हम सब की। वी एज ह्यूमंस हैव लेट आवर ओन सेल्व्स डाउन, और इस बात का ना हमें कोई अंदाज़ा है ना कोई पश्चाताप। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस देश में ऑलमोस्ट हर एक लड़की के साथ ऐसे किस्से ना कभी ज़रूर हुए हैं, और सैडली आगे होते रहेंगे। ये तो प्रोस्टिट्यूट है ना। दीज वर्ड्स फेल ऑन माई ईयर्स व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। हमारा हिस्ट्री लेक्चर चल रहा था और हमारे टीचर ने फ्री पीरियड दिया था, तो क्लास के सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और इस शोर और कियोस के बीच मेरी बेंच के उस तरफ बैठे हुए क्लासमेट ने मुझे बुलाया और चिल्लाकर पूछा, आई डोंट इवन वॉन्ट टू से इट अगेन। मैं उस मोमेंट में सहम गई, जैसे आसपास का शोर शांत हो गया। उसकी आवाज और उसके वो शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। उस एज में मुझे उस वर्ड का या स्लट शेमिंग का मतलब नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि उसने जो मुझसे पूछा है वो नहीं पूछना चाहिए था। मैं उस दिन स्कूल के बाद बहुत सारे सवाल लेकर घर गई। उसने मुझसे ऐसे क्यों पूछा? वॉज इट बिकॉज मेरी स्कूल यूनिफॉर्म छोटी थी, या क्योंकि मैं लड़कों से बातें करती हूँ? और प्रोस्टिट्यूट क्यों? पैसे कमाने के लिए तो हर एक इंसान मेहनत करता है, कुछ बेचता है, एफर्ट्स डालता है, फिर उसने प्रोस्टिट्यूट इतने गंदे तरीके से क्यों बोला? और मुझे ये सुन के बुरा क्यों लगा? मेरा 14-year-old दिमाग ये सब ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने रात होते ही अपने स्कूल की बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको पूरा इंसिडेंट बताया। तब उसने मुझे ये बोला कि हमारे प्रिंसिपल के बेटे ने पूरे क्लास में रूमर फैलाया है कि आई एम अ सेक्स वर्कर एंड आई अलाउ बॉयज टू टच मी व्हेरेवर दे वांट। आई वाज स्पीचलेस। आई डिडंट नो व्हाट टू से, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। आई कट द कॉल एंड आई ट्राइड टू स्लीप। अगले दिन मैंने स्कूल में जाके वो किया जिससे सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। आई वेंट टू द वाइस प्रिंसिपल एंड आई कंप्लेन टू हर अबाउट इट। मैंने उनको जो हुआ जैसे हुआ सब सच बता दिया, तो उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को बुलाया टू कन्फर्म इफ इट्स द ट्रूथ। पर वहाँ पहुंचकर शी लाइड। उसने वाइस प्रिंसिपल को ये बोला कि शी हैज नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द रीजन बीइंग हर मदर वाज आल्सो अ टीचर एट अ स्कूल, और उन्होंने उसे मुझसे दूर रहने के लिए कहा था। हेल्पलेसली आई वेंट बैक टू माई क्लास। द एंटायर क्लास वॉज अगेंस्ट मी बिकॉज मैंने प्रिंसिपल के बेटे की कंप्लेन की थी। इस अनबेरेबल प्रेशर को मैं एक्सेप्ट कर ही रही थी कि हमारी क्लास टीचर हमारे क्लास में आई। अब ये टीचर मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उसने पूरी क्लास के सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को एड्रेस करते हुए ये बोला, आई टोल्ड यू टू स्टे अवे फ्रॉम डर्टी पीपल। दोबारा पूरे क्लास में शांति हो गई। हर वर्ड स्टार्टेड एकोइंग इन माई ईयर्स, डर्टी पीपल, डर्टी पीपल, डर्टी, डर्टी, डर्टी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। आई कुडंट डिफेंड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास। द नेक्स्ट टू ईयर्स वर द वर्स्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। आई थिंक आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन टू लीव स्कूल। इट्स बीन 9 years सिंस आई पास्ड आउट, पर मैं आज भी वो वर्ड सुनती हूँ तो मुझे वो किस्सा याद आता है। और टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एंग्री एट माई क्लासमेट्स। मैं ये बोल के खुद को कंसोल करती हूँ कि हम सारे बच्चे थे, वी डिडंट नो बेटर, नो वन टॉट अस दैट बुलिंग इज रॉन्ग, स्लट शेमिंग इज रॉन्ग, डिग्रेडिंग सेक्स वर्कर्स फॉर देयर जॉब इज रॉन्ग,
और इसी सही और गलत का डिफरेंस सिखाने वाले टीचर्स ही अगर ये बात समझ नहीं पाए तो बच्चों पे गुस्सा करके क्या करूं। आई नो इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम सिंस दैट इंसिडेंट हैपेंड, शायद उस टीचर को ये बात याद भी नहीं होगी, बट उस इंसिडेंट ने मुझे ये सिखाया कि खुद के लिए स्टैंड लेना कितना ज़रूरी है, बुलीज से फाइट करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं तब तक इस बारे में आवाज़ उठाऊंगी, मैं तब तक इस बारे में लिखूंगी, मैं तब तक इन लोगों को कॉल आउट करूंगी जब तक गूगल और हमारी सोसाइटी दोनों के लिए कैरेक्टर का मतलब सेम नहीं हो जाता। और मैं बिना शर्म की ये बात कह सकती हूँ कि मोर ऑफन देन नॉट हमें कोई भी चीज़ डर्टी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि गंदगी हमारी खुद की आंखों में होती है।